मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के दामजीपुरा के दो आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद समाज में आक्रोश व्यक्त हो गया है। आपको बता दें कि आज सोशल मीडिया के सभी ग्रुपों पर वीडियो वायरल होने के बाद इन दोनों युवक से मीडिया ने संपर्क किया, मामले को गंभीरता पूर्वक सुना। पीड़ित धर्मेंद्र काजदेकर और नितेश भारस्कर दोनों ने बताया कि एक डेढ़ महीने पहले नसरुल्लागंज काम करने गए थे। अंकुश ट्रेडर नाम के मिल में हमाली का कार्य करने गए थे। मिल मालिक का नाम सतीश शीतल बताया जा रहा है। मोबाइल चोरी के इल्जाम को लगाकर बहुत मारा गया, पीटा गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। दोनों युवक को काम के पैसे भी नहीं दिए गए और भगा दिया गया। इस वीडियो को सुनने के बाद मोबाइल चोरी के मामले में पिटाई भी की गई, शायद मोबाइल मिल भी गया था, उसके बावजूद भी पीड़ितों को मारा पीटा गया। कान पकड़ने के बाद पूछता हुआ और क्या चुराया है, ये भी वीडियो में सामने नजर आया है। आपको बता दें कि इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। युवक ने कलेक्टर महोदय से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इदरीस वीरानी की रिपोर्ट। मैं नितेश बारस्कर दांजीपुरा से गए थे नरसुलागंज काम करने, अंकुश टेलर से मिल में। वहाँ पे चोरी के इल्ज़ाम में हम दोनों को बहुत बेरहमी से मारा। वो मिल के दो लोगों ने, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ऐसे भी बोले कि आदिवासी कभी नहीं सुधरेंगे, तो इन पर आपसे निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई शुरू की जाए। मिल का नाम है अंकुश टेलर्स, का नाम सतीश सीतक। धर्मन का विवेकार दामजीपुरा से काम करने गया था। मैं दामजीपुरा काम करने गया था, वहाँ पर नरसुलगंज, वहाँ हमारे नाम फालतू का उसके बात तो सुन के चुगली बता के मोबाइल चोरी करा करके बोला और हमको दोनों को खूब मारा। मारने के बाद दोनों मास्टर ने मारा हमको, पकड़ के ला के मास्टर ने मारा, बहुत बेधापन से मारा हमको, दो ही को बहुत मारा हमको। वहाँ से चलते नहीं बने थे हम, बस में किराया भी नहीं था, हम उसे ही आए पैदल पैदल। बोला कि तुम बोले कौन, तुम कौन ऐसे ही रहेंगे बोले। हम अंकुश टेलर में काम करते थे और सेठ का नाम सतीश चीतल। हमको न्याय मिले, हम कलेक्टर लोगों से निर्देश करते हैं कि तड़ीपार काम करें।